नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दैविक टेढ़ा पे स्वागत है। सीआरपी अपने अपनी वेबसाइट को फिर से अपडेट किया है, तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, आप सभी को, कि सीआरपी अपने अपनी वेबसाइट में अभी फिर एक छोटा सा अपडेट किया है। आपको पता है कि असिस्टेंट कमांडेंट का भी जो एग्जामिनेशन है वो 22 फरवरी से उन्होंने बुलाया है, 28 फरवरी के बीच में होगा वो भी एग्जामिनेशन, तो उसका भी एडमिट कार्ड आना था, तो उसके एडमिट कार्ड का उन्होंने लिंक दे दिया है वेबसाइट पे, और जो पुराना लिंक था उसको एक्सपायर कर दिया है। यानी कि आज पूरी पूरी उम्मीद है, देखो भाई उम्मीद ही कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी उन्होंने 15 तारीख तो उन्होंने खुद बता रखी थी, ये तो आपको ही पता है, बाकी हम भी कल लगे हुए थे पूरा दिन भर कि एडमिट कार्ड कब आएगा कब आएगा। तो अभी आपने देखा कि असिस्टेंट कमांडेंट का उन्होंने लिंक अभी जनरेट नहीं किया है, मगर एक लिंक डाल दिया है, अभी वो एक्टिव नहीं हुआ है, कुछ देर में वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो असिस्टेंट कमांडेंट का हुआ है, तो साथ ही साथ आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का भी एडमिट कार्ड का लिंक भी बहुत जल्दी एक्टिवेट होने के चांसेस हैं। देखिए हम बस यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, एक संभावनाएं बता सकते हैं, और एग्जेक्ट जो हो रहा है वो सीआरपीएफ के अंदर ही हो रहा है ना भाई, यहाँ से थोड़ी हम बता देंगे कि अंदर क्या हो रहा है। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, सोचता हूँ आपको बता दूँ, आप अवेयर हो जाओगे, उससे तैयार हो जाओगे, बाकी अपनी तैयारी तो आप करते ही रहो, उसमें क्या है, एडमिट कार्ड तो आना होगा, जब आ ही जाएगा, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं बता देता हूँ। यूट्यूब इसीलिए तो है भाई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उसकी और कुछ तो, बहुत से बच्चों ने गाली वाले देना स्टार्ट कर दिया, मैंने कोई बात नहीं, दे लो भाई तुम्हें क्या है, तुम्हारे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, जो कह सकते हो कह ही सकते हो। उसके अलावा क्या है, जिस दिन नौकरी ले लेना ना, जिस दिन जॉब ले लेना, उस दिन कमेंट बॉक्स में गाली लिखना कि हाँ सर मैंने नौकरी ले ली, अब मैं गाली दे, पहले कुछ कर लो जिंदगी में, उसके बाद गाली दो किसी को, ठीक है, हर मन जो मन में आया बोले जा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा मुंह है, तुम कुछ भी बोलो, तुम कमेंट बॉक्स में कुछ बोलो, कुछ दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में हर चीज कर सकते हो, मैं कुछ कभी मना नहीं करता और कभी भी कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं करता। तो मैं आपको चीजों की अपडेट ही देता रहता हूँ, और जो जो चीजें आप पता चलती रहती है वो अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ हमेशा। मेरा कोई और मकसद नहीं रहता कि मैं आपको अलग, और कोई थंबनेल भी मैं गलत नहीं बनाता, हमेशा थंबनेल में वो चीजें मैं लिख देता हूँ कि जो चीजें होती हैं वो चीज मैं लिख देता हूँ, ताकि आप उसको देखिए। बाकी YouTube की पॉलिसी अलग चीजें होती हैं, जिसमें आपको इस तरह से टाइटल डालना पड़ता है, तभी आपकी वीडियोस पे व्यू आएगा। तो यूट्यूबर होने का मतलब ये है कि आपको व्यूज चाहिए, तभी आप यूट्यूबर हो, नहीं तो व्यूज क्यों, कहाँ से आएंगे भाई, टाइटल ही सही नहीं होगा उसमें, सही से लिखेंगे नहीं तो व्यूज कहाँ से आएंगे, कहाँ से लोगों के पास पहुंचेगा। तो पहुंचने का तरीका होता है, थंबनेल बनाने का तरीका होता है, तो उसमें थंबनेल में हमेशा मैं मेंशन कर देता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ उसकी मेंशन कर देता हूँ। मगर फिर भी आप नाराज हो, कोई बात नहीं, आप हो सकते हो, आपकी मर्जी है इसके लिए। मगर ये अभी अभी अपडेट निकल गया है कि सीआरपी अपने अपनी वेबसाइट में असिस्टेंट कमांडेंट का एडमिट कार्ड का लिंक अपडेट किया है। बाकी अभी कुछ देर में करें या कल करें, आज ही करें, अभी इसके बारे में कुछ गारंटी नहीं ले सकता। जो भी होगी न्यूज आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की टेस्ट सीरीज बाय करनी होगी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया ऐप का, ऐप डाउनलोड करके अब वहां से सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।